हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम स्मार्ट क्लासेस। तो जैसा कि आपने देखा था, पिछले लॉ में हमने ओम्स लॉ तक कवर कर लिया था। तो उसके बाद की जो हमारी आज इस लेक्चर में हम बहुत कुछ देखने वाले हैं। तो आज सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस और या इससे पहले रेसिस्टेंस की बात कर लेते हैं। पहले तो देखो, रेसिस्टेंस की बात करेंगे सबसे पहले। जिसको R से डिनोट करते हैं। तो रेसिस्टेंस जैसा कि क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? लेंथ। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जब हम इसको कंबाइन करके लिखते हैं तो ये क्या लिखा जाता है? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। ठीक है, इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए यहां पे एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको रो से डिनोट करते हैं। तो फाइनली हमारी इक्वेशन ये आती है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ठीक है, इसमें क्या है, ये हम कंडक्टर की, एक कंडक्टर है हमारे पास, ये है मान लो, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। ये हमारे पास कोई कंडक्टर है। अब इसके बारे में बात करें तो R क्या है? रेसिस्टेंस। ठीक है, और अपना जो रो है उसको बोलते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। एल है आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए है आपका एरिया, एरिया ऑफ कंडक्टर। इस कंडक्टर की जितनी लेंथ है उसको मान लिया हम एल बोल रहे हैं, और इसका जो एरिया है उसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं। तो देख लिया हमने आर बराबर क्या है, रो L अपॉन A। इससे देखो, ये आपकी, ये इसकी बात करें तो ये रेसिस्टिविटी होती है, और इसको ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी लिखा जाता है कई बुक में। ठीक है, पहला हमारा ये आ गया। दूसरा अगर हम बात करें, ये हमारा रेसिस्टेंस हो गया। दूसरा अगर हम कंडक्टेंस की बात करें, कंडक्टेंस को सी या फिर जी से लिखा जाता है, दोनों एक ही हैं। तो कंडक्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस का रिवर्स, उल्टा होता है ये। ठीक है, तो कंडक्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं? वन अपॉन आर। ओके, और वन अपॉन आर, आर की वैल्यू इससे अगर पुट करें तो वन अपॉन रो, और ये क्या हो जाएगा? वन अपॉन एल अपॉन ए। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये वन अपॉन रो जो होता है, ये आपका होता है कंडक्टिविटी, और इसको ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी, ये आपका रेसिस्टेंस होगा यहां, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, और ये होगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो ये आपका, इसको डिनोट किया जाता है कप्पा से। ठीक है, ये है रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस, ये है किसके, कंडक्टर के केस में। अब अगर आपको कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दे रखा है उसके केस में हमने यही सेम चीज डिफाइन करनी, तो उसको कैसे देखेंगे वो देखते हैं अब हम। तो जैसे ये निकाला है वैसे ही सेम टू सेम वो करेंगे। इसमें हम इनकी यूनिट और इनकी डेफिनेशन के बारे में भी बात करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो इसके बारे में अब हमने बात करनी है।
आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आपको गिवन है इस टाइप से, जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स लगाई हुई हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसको किसी बैटरी सोर्स से कनेक्ट किया गया है और इसमें आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भर रखा है, इसमें आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल कर रखा है इस कंटेनर में आपने। और अगर हम बात करें इन दोनों जो इलेक्ट्रोड है इनके बीच की लेंथ L है, ठीक है, और जो ये रोड है इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया है मान लिया इनका A। तो देखो जैसा कि कंडक्टर के केस में हमने देखा था R होता है इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो R L अपॉन A, इसको हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसको डिनोट करेंगे रो से, ठीक है। ये जो रो होता है आपका R H O, इसको क्या बोलते हैं वही सेम है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी। इसके बाद देखो जो ये आपका L अपॉन A होता है इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। ये क्या होता है सेल कांस्टेंट, और इसको किससे डिनोट किया जाता है G स्टार से। तो ये क्या होता है आपका सेल कांस्टेंट। तो ये आपका रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी हो गया है। इसके बाद देखो अगर हमें ये बोले जाए मतलब ये कहा जाए कि रेसिस्टेंस ये रेसिस्टिविटी की डेफिनेशन कैसे है, तो डेफिनेशन इसकी हम क्या बोल सकते हैं, इसकी डेफिनेशन अगर मान लो देखो L की वैल्यू क्या है 1 सेंटीमीटर और आपका एरिया क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप जो आपकी रेसिस्टिविटी है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, रेसिस्टिविटी उस कंडक्टर की कंडक्टर का रेसिस्टेंस है जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है और एरिया उसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हुज लेंथ इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये तो हो गई रेसिस्टिविटी की पहली डेफिनेशन कि रेसिस्टिविटी उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस है जिसकी लेंथ क्या है 1 सेंटीमीटर और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब अगर हम बात करें तो अगर एरिया और वॉल्यूम एरिया और लेंथ को अगर हम मिला कंबाइन कर दे तो ये आपका क्या बन जाता है वॉल्यूम। तो देखो एरिया आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर और लेंथ आपकी 1 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम आपका कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब कोई क्या बोलते हैं 1 ml या फिर इसको 1 cc भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं अगर इलेक्ट्रो, ये तो कंडक्टर के केस में डिफाइन कर दिया। अब अगर हम किसके केस में बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के केस में, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के केस में आपका जो रेसिस्टिविटी है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये है इट इज द रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रो, इसमें आप बोल सकते हैं इट इज द रेसिस्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के केस में बात करें तो ये है मतलब ये उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की का रेसिस्टेंस है जिसकी वॉल्यूम कितनी है 1 ml, ठीक है। तो ये आपका जो रेसिस्टिविटी है उसका कॉन्सेप्ट है। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे सेल कांस्टेंट और जो आपकी रेसिस्टिविटी है उसकी यूनिट देख लेते हैं एक बार। तो यूनिट्स की बात करें तो इसको इरेज करना पड़ेगा,
इसी तरह से आप क्या कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस को भी इसी तरह से हम क्या डिफाइन करेंगे वो भी देखेंगे। तो देखो आपका R की वैल्यू क्या थी, रो L अपॉन A, तो ये आपका रो, इसको मैंने लिखा था G स्टार सेल कांस्टेंट। ओके, अब देखो रो की यूनिट निकालनी हमें, किसकी, रेसिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो आपकी होती है ओम। ओके, अब देखो रो की यूनिट निकालनी है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पहले सेल कांस्टेंट की यूनिट देख लेते हैं, यूनिट्स ऑफ सेल कांस्टेंट जी स्टार। ओके, यूनिट्स की बात करें सेल कांस्टेंट की, तो अभी हमने देखा L अपॉन A, लेंथ कितनी थी 1 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर होगी इसकी यूनिट, और इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वेयर, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो सेंटीमीटर इनवर्स इसकी यूनिट आ गई है, किसकी, सेल कांस्टेंट की। ओके, सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या आ गई, सेंटीमीटर इनवर्स, तो मैं इसको यहां लिख लेता हूं कि जी स्टार है जो आपका, उसकी यूनिट आ गई है सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, तो अब हमें बात करनी है रो की यूनिट की, यानी कि यूनिट्स ऑफ रेसिस्टिविटी, यूनिट्स ऑफ रेसिस्टिविटी। ओके, तो इसकी बात करेंगे, तो इसकी बात करते टाइम देखो ये, अगर मैं इस इक्वेशन से बात करूं तो ये जी स्टार इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आर अपॉन वन बाई जी स्टार। ओके, तो आर की यूनिट आपकी क्या है, ओम, और जो ये सेल कांस्टेंट है इसकी यूनिट आई सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये सेंटीमीटर इनवर्स, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम सेंटीमीटर। ओके, तो रेसिस्टिविटी आपकी, उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम सेंटीमीटर, तो मैं यहां लिख रहा हूं कि रेसिस्टिविटी की यूनिट आपकी क्या आएगी, ओम सेंटीमीटर। दोबारा सुनिए एक बार, आर की यूनिट ओम होती है, अभी हमने देखा कि जो आपका ये है रेसिस्टेंस वो इस फॉर्मूले से ये होता है, एल अपॉन ए आपका जी है, जी स्टार, जिसको हम सेल कांस्टेंट बोलते हैं, तो यूनिट्स ऑफ सेल कांस्टेंट निकालनी है। अभी हमने देखा था कि लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर और एरिया आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ओके, तो जी स्टार जो है उसकी यूनिट आ गई सेंटीमीटर इनवर्स, इस फॉर्मूले से मैंने रो की वैल्यू निकाली, रो की वैल्यू क्या होती है, रेसिस्टेंस इंटू वन अपॉन जी स्टार, यानी कि सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट की यूनिट आपकी कितनी आ रही है, सेंटीमीटर इनवर्स, तो इसकी यूनिट आ जाएगी ओम सेंटीमीटर। अगर आपकी ये मीटर में गिवन है तो आपका यहां सेंटीमीटर की जगह क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। ओके, सेम इसी तरह से हमने क्या देखनी है, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, तो ये तो रेसिस्टेंस था इसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, अब हमें बात करनी है, तो इसमें अगर मैं लिखना चाहूं तो रो इज इक्वल टू आर इंटू जी स्टार, तो वन अपॉन जी स्टार, तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, ये क्या है आपकी रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू रेसिस्टेंस इंटू वन अपॉन सेल कांस्टेंट। ओके, ये हो जाएगा आपका। तो इस तरह से हमने देख ली यूनिट्स ऑफ रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। इसके बाद हम बात करेंगे जो आप कंडक्टेंस की। ओके, तो कंडक्टेंस की बात कर लेते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, इसी सेम तरीके से हम कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। तो देखो कंडक्टेंस की बात करते हैं अब हम, ओके, तो देखो कंडक्टेंस की बात करें तो हमने क्या बोला था, सी जो होता है वो वन अपॉन आर होता है आपका, आर की वैल्यू अगर इस फॉर्मूला से देखें तो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, इसकी वैल्यू यहां पुट करें
तो वन अपॉन रो और ये हो जाएगा इंटू वन अपॉन एल बाई ए। तो देखो सी इज इक्वल टू वन बाई सी है आपका कंडक्टेंस यहां पे, ठीक है, वन अपॉन रो है, इसको डिनोट किया जाता है कप्पा से, इसको वन अपॉन जी स्टार हो जाएगा ये। तो ये अगर इसकी बात करें तो ये जी अगर इधर आएगा तो सी इंटू जी स्टार ये आपका क्या हो जाएगा कप्पा। यहां पे आपका जो सी है वो है आपकी कंडक्टेंस, जी स्टार जो है आपका वो है आपका सेल कांस्टेंट, और जो कप्पा है वो आपका क्या है कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ओके, तो इस फॉर्मूला को अगर मैं वैसे लिखना चाहूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू कप्पा यानी कि कंडक्टिविटी। बोलो इतना समझ में आ गया। तो अब हमें यूनिट की बात करनी है, यूनिट की बात करें तो कंडक्टेंस है जो उसकी यूनिट रेसिस्टेंस के उल्टी होगी, क्योंकि कंडक्टेंस आपकी होती है वन अपॉन आर, आर की यूनिट क्या होती है ओम, तो इसकी क्या हो जाएगी ओम इनवर्स। ओके, और ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं, कई बुक में एम एच ओ लिखा मिलेगा और कई बुक में आपको लिखा मिलेगा एस, और एस को बोलते हैं, एस यहां पे होता है सीमेंस। तो ये तीनों यूनिट सेम है, ओम इनवर्स सीमेंस और महो, ये तीनों यूनिट किसकी है कंडक्टेंस की यूनिट है। इसके बाद हमें बात करनी है जो आपका है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी की बात करें तो देखो कंडक्टिविटी की यूनिट हमें निकालनी है, तो अगर इस फॉर्मूला से डायरेक्ट कंडक्टिविटी की यूनिट निकाले कप्पा, तो कंडक्ट देखो सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या आई थी सेंटीमीटर इनवर्स, और कंडक्टेंस की क्या आई है ओम इनवर्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं दूसरी उसमें एस सीमेंस सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, इसी को ही एस लिखा मिलेगा सीमेंस को बुक में। तो आपने ये कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों यूनिट किसकी है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और सीमेंस इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये आपकी सॉरी सीमेंस और सेंटीमीटर इनवर्स ये किसकी यूनिट है कप्पा की यूनिट है ये आपकी, यानी कि कंडक्टिविटी की यूनिट आपकी क्या आ गई रेसिस्टेंस की यूनिट आपकी थी ओम कंडक्ट, ये तीन यूनिट आई, उसके बाद कंडक्टेंस की यूनिट आपकी आई ओम इनवर्स। ओके, और सेल कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा, और आपकी कप्पा की वैल्यू ये जो यूनिट आई ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, सेम वही तरीका, अगर आपका ये मीटर में गिवन होगा तो आप यहां ले लेंगे मीटर सेंटीमीटर की जगह, बाकी सारा सेम रहेगा। तो हमने देख लिया कैसे हमें कंडक्टेंस की यूनिट निकालनी है और कैसे हमने कंडक्टिविटी की यूनिट निकाली, सेल कांस्टेंट की यूनिट निकाली। तो अगर अब हमें कोई